अगर अमेरिका की उस समय वीडियोस देखते थे, टीवी चला के देखते थे, डर जाते थे कि ये वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि माता पिता का और परिवार का जो एक सहयोग होता है वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कक्षा दूसरी में ये पता था कि मुझे चित्रकार बनना है, और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर इस तरह की चीज़ें ना थोपी जाएँ। वो बनना क्या चाहता है उस दिशा में उसको सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो जी नमस्कार, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हो, मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ और फिर से आपके अपने चैनल। और फिलहाल जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है ये दीपक कौशिक जी हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। और जितने भी कलाकार जिसको कहते हैं, आज का हमारा समाज कलाकार मानता है जो एक्टर होते हैं उनको, लेकिन जितने भी फनकार कलाकार और चित्रकार हैं सर, और चित्रकार भी अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। जितना मीडिया, जितना समाचार पत्र भूमिका निभाते हैं, चित्रकार भी उतनी ही अहम भूमिका हमारे समाज में निभाते हैं, शुरू से निभाते आए हैं। उनकी पेंटिंग्स को देखकर हमारा जो आज का समाज है वो ये निर्णय लेता है कि समाज में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जितने भी चित्रकार हैं वो भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और उन्हीं में से एक जो हैं दीपक कौशिक जी आज मेरे साथ हैं, और इनका बहुत कीमती समय मैंने मांगा 5-10 मिनट। फिलहाल मैं जो है गोपाल विद्या मंदिर जींद के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर बैठा हूँ, और दीपक कौशिक जी मेरे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने शुरू किया चित्रकारिता, कहाँ से शुरू हुई। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार आपको। तो सर आप बता रहे थे कि चित्रकारिता आपने शुरू में पेंटिंग जो बनाई थी, तो वो कहानी एक बार फिर से दोहरा दीजिए ताकि मेरी जनता भी उसको सुन पाए और मतलब समझ पाए कि भाई हाँ ऐसे भी चित्रकार बना जा सकता है। मेरी चित्रकारी करने की जो कहानी है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुझे कक्षा दूसरी में ये पता था कि मुझे चित्रकार बनना है, और हमारे घरों में जैसे माताएँ हैं जो तीज त्यौहार होते हैं उन पर भित्ति चित्रकारी करते हैं, जो हमारी लोक कला का एक हिस्सा है जी। तो गेरू वगैरह से जो वो चित्रकारी करते थे, तो उन्हीं रंगों के माध्यम से यानी कि प्रकृति के रंगों के माध्यम से मैंने पहला चित्र बनाया था। और उसके बाद ये मैंने निश्चित कर लिया था कि मेरे को जीवन में सिर्फ और सिर्फ चित्रकारी करनी। पिताजी ज्योतिष आचार्य थे, वह जन्म कुंडलियों में जब रंग भरते थे तो मुझे छोटी छोटी पेंसिल दे देते थे, तो उन्हीं पेंसिलों का प्रयोग करते करते जीवन में मैं चित्रकारी करता रहा। और कक्षा 4 में पहली बार मुझे जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद मेरा हौसला बढ़ता चला गया और फिर चित्रकारी करते 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 कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, वहाँ से बैचलर डिग्री की और फिर मास्टर डिग्री की। कला को अपने अंदर समाहित करके सीख कर फिर एक उद्देश्य भी मन में आया कि हम जो कलाकार हैं कि हमारा समाज के अंदर और देश के अंदर क्या चिंतन होना चाहिए और हमारी कला समाज को क्या दर्शन करा सकती है, इस मूलभूत विषय को लेकर आज मैं अपनी चित्रकारी करता हूं और जन चेतना, समाज चेतना और राष्ट्र हित में अपने कार्य निरंतर करता रहता हूं। जो पीछे पेंटिंग लगी हुई है, अगर मेरे दर्शक देख पा रहे तो ये भी सराफी की होगी शायद। हाँ, ये चित्रकारी हमने गीता जयंती महोत्सव के दौरान की थी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने भी अलग अलग आर्ट वर्क किए थे। ये कोविड काल के अंदर जब ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी उस समय का यह कार्य है। तो सर ने जैसे बताया कि दूसरी कक्षा में आपने स्टार्ट कर दी थी, जिस टाइम पे बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि घर का फ़ोन नंबर और माता पिता के नाम से अलावा शायद बच्चा ना जान पाए कुछ भी, उस टाइम पे सर ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई चित्रकारिता शुरू करनी है। चौथी कक्षा में नाम जो है पहला प्रथम पुरस्कार मिला था आपको। अच्छा सर एक चीज़ और है, मतलब आपने आप बता रहे हो कि भाई होइका व्रत था ना उस दिन, होइका व्रत था उस दिन आपने जो है भाई चित्रकारिता दीवार के ऊपर बना दी, तो उसके बाद पिताजी का माताजी का क्या रिएक्शन था भाई हाँ ये लाइन ठीक है, या फिर जैसा आमतौर पर हर एक घर में होता है भाई सरकारी नौकरी या फिर ऐसा कुछ दबाव आपके ऊपर आया हो? देखिए मैं मानता हूँ कि माता पिता का और परिवार का जो एक सहयोग होता है वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे माता पिता ने कभी भी यह नहीं सोचा कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है। उसको लगा कि एक दिशा में जा रहा है, उस दिशा में उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसमें वह सफलता कैसे पाएगा, उसकी उन्होंने चिंता की। और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर इस तरह की चीज़ें ना थोपी जाएं। वो बनना क्या चाहता है, वो एक अच्छा क्लर्क बन सकता है, अच्छा पुलिसमैन बन सकता है, अच्छा फार्मर बन सकता है, उस दिशा में उसको सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं।
कई लोगों की भाई मजबूरियां बहुत होती, कई शौक ऐसे हो जाते हैं भाई, जैसे गाना लिखना या फिर गाना गाना, तो वो एक शौक बन के रह जाता है बच्चों का, भाई हाँ ये प्रोफेशन नहीं बन सकता। इसके ऊपर आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि शौक बन के रह जाता है, आप अपनी पूरी शिद्दत और कला साधना के मन से जो भी कार्य करोगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अभी देखा जाए तो अब्दुल कलाम साहब को भी ये नहीं पता था कि वो देश के राष्ट्रपति होंगे और वो एक महान वैज्ञानिक होंगे। जिस तरह की उनकी पारिवारिक स्थिति का अगर हम दर्शन करें तो हम सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा है, मगर उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और यानी कि काम को करने की लगन, जिसको हम कह सकते हैं यानी पूरी निष्ठा के साथ आप काम करिए, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। सर एक और चीज़, जैसे आप स्कूल में थे, आमतौर पर हम देखते हैं बच्चों के ऊपर ये जो सब्जेक्ट है फाइन आर्ट, अगर इसको हम लेके चलें, उससे पहले 10वीं तक भाई विज्ञान या गणित या फिर सामाजिक इंग्लिश, इन चीज़ों के लिए बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, भाई ये पढ़ो, प्रश्न याद करो, पेपर दो। ये तो बहुत बाद जाके होता है कि भाई हाँ अगर कोई चित्रकार बनना चाहे तो उनके ऊपर इतना दबाव आप मानते हो कि ठीक है, या खुद के लिए एक विषय होना चाहिए भाई ये विषय मेरा परफेक्ट और मैं इसी के अंदर जाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो है कि बहुत सारे अभिभावकों को यही नहीं पता कि कला जैसा विषय है ये क्या कर सकता है। वो सोचते हैं कि सिंपल ड्राइंग टीचर हो जाएगा या ज़्यादा कॉलेज में लग जाएगा। अगर आप देखें अपने पूरे जो शरीर पे आपने चीज़ें पहन रखी है सारी की सारी कलात्मक हैं, यानी कि आपने अगर चश्मा लगा रखा है वो भी एक डिजाइनर डिजाइन किया है, आपका काम करने वाला ये पेन है इसकी भी पहले ड्राइंग हुई है, यानी कि बहुत सारे विकल्प हैं इसके अंदर। जैसे आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, टॉय डिजाइनिंग में जा सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, मूर्तिकार बन सकते हैं, यानी अपार संभावना के साथ एक बड़ा क्षेत्र है कला का। सबसे पहले हमारे समाज को ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण स्थानों पर जॉब हैं, या हमारा बालक यहाँ पर, जैसे कि आपका ही क्षेत्र है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बहुत सारी चीज़ें होती है, यानी कि आपका अगर चैनल स्टार्ट भी करता है तो वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से करता है, उसको करेगा कौन, आर्टिस्ट करेगा ना। तो इस तरह से बच्चों को ये चीज़ें समझाएं कि भैया ये जो आप कर रहे हो, आपको मैथ अच्छा लगता है तो उसमें आप पूरी शिद्दत के साथ लगें, साइंस अच्छा लगता है तो पूरी शिद्दत, यानी मेरा फिर वही कहना है कि जिस भी चीज़ में आप काम करो आपकी यानी ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति तो आपको कोई भी बुलंदियां छूने से नहीं रोक सकता। उसके बाद सर आप जिस टाइम पे बातचीत चल रही थी तो आपने बताया था भाई अलग अलग समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में आपने जो है ना काम किया है, तो कौन कौन से वो समाचार पत्र थे जहां साप्ताहिक, मासिक या फिर आपने बताया भाई फ्री में भी काम करना पड़ा? देखिए वही बात है कि जब मैंने कार्टूनिंग शुरू की तो उसके बाद व्यक्ति को ये भी रहता है कि ये कार्टून अब बनाने आ गए हैं तो इसको प्रकाशित कौन करेगा। तो मैंने सबसे पहले जीन में दैनिक जगत क्रांति समाचार पत्र निकलता, मैं उनके पास गया कि भैया मैंने ये काम शुरू किया। उन्होंने कहा भाई आपका काम ठीक है मगर आपको हम पैसा नहीं दे सकते, अच्छा ये हम फ्री में काम करना है तो करिए। तो मैंने कहा ठीक है मेरा प्रकाशित कीजिए। मैंने उनके साथ आज भी मैं काम करता हूँ, आज भी मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। अच्छा। मगर उसके बाद मेरे मन में आया कि ये जो व्यंगात्मक कार्टूनिंग जो उन्हें सीखी है ये राष्ट्रीय अखबारों तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर आपका स्थान कैसा मिले। अब फिर वही प्रश्न दोहरा रहा हूँ कि फिर मेहनत वाली बात आई। फिर मैंने उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मैंने पंजाब के श्री में काम किया, अजीत समाचार में काम किया, हिसार से नब छोर अखबार निकलता था उसमें काम किया, चंडीगढ़ जब मैं पढ़ता था तो अमर उजाला में काम किया, यानी बहुत सारे साप्ताहिक मासिक अखबारों में निःशुल्क काम किया पहले, और बाद में इतना सारा काम मुझे मिलने लग गया कि ये जो मेरी इच्छा थी कि मेरे कार्टून राष्ट्रीय स्तर तक प्रकाशित हों तो वो हुए। उसके बाद कई सारी पुस्तकों की रचना की मैंने, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 7-8 पुस्तकें डिजाइन की, और कला शिक्षा के लिए मैंने 17 पुस्तकें अब तक डिजाइन कर चुका हूँ। एक चीज़ बीच में मैं नोटिसफाई करवाना चाहूँगा कि आपने जो कार्टूनिंग की प्रेरणा ली वो हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ से ली थी? देखो प्रेरणा आपको ना कहीं से भी कभी भी मिल सकती है, आपको चलता व्यक्ति प्रेरित कर सकता है, आपको हॉस्पिटल प्रेरित कर सकता है, महात्मा बुद्ध को जैसे कि मृत व्यक्ति ने प्रेरित किया था, ऐसे ही मेरा स्टूडेंट एक कार्टूनिंग करता था, मेरे को उससे प्रेरणा मिली कि क्या मैं खुद कार्टूनिंग कर सकता हूँ। उसको देखते देखते मैंने कार्टूनिंग शुरू की, एक धीरे धीरे शुरुआत करते करते यानी कि राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, और देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए पुस्तकों की रचना करना, यानी कि
उन सब का जो एक आनंद आज मिल रहा है उसका सीधा सीधा जो मेहनत की गई उसका ही एक फल है। ये सबसे बड़ी बात कि भाई ज़रूरी नहीं, मतलब हम मानते हैं सर कि भाई गुरु सिखाएगा वही शिष्य सीखे, लेकिन आपसे एक प्रेरणा और मिलेगी जो भी दर्शक देखेगा, भाई ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु ही शिष्य को सिखाए, कई बार शिष्य भी गुरु को प्रेरणा दे सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें जो परंपराएं बनाई हुई हैं, जो लकीर के फ़कीर हम बने बैठे हैं, वो ज़रूर नहीं, वो चेंज भी होती आ रही हैं, धीरे धीरे समय बदलेगा तो चीज़ें बदलेंगी। दूसरी बात सर, आपने लॉकडाउन में भी जिस टाइम पर लोग घरों में बैठे थे, डरे हुए थे, तो आप जो पेंटिंग्स बनाते थे उनसे आपने क्या योगदान दिया इस देश में? जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यानी कि पूरा देश चिंतित था, भय में था, यानी कि हर दिन उनको लगता था कि कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। जब एक कलाकार होने के नाते मैं घर बैठा था तो उस समय मैंने सोचा कि कुछ न कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यंगात्मक चित्र बनाए जाएं। तो डेली एक कार्टून बनाते थे और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी कि देश भर में उस चीज़ को फैला देते थे। जब धीरे धीरे वो रेगुलर काम होता चला गया तो कुछ मेरे जूनियर्स थे, उन्होंने भी वो काम देखे तो उन्होंने भी अपने अपने प्रांत्स के अंदर ऐसे काम करना शुरू करा। लगभग 38 लोगों ने इसके अंदर एक चेन बन गई, यानी कि रोज नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोग देखते, यानी कि डर के भाव के अंदर लोग हंसे। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी जो कला है कि लोगों को कैसे प्रसन्न रख सकती है, इस चिंता से कैसे दूर रख सकती है, इसलिए हमने प्रतिदिन एक कार्टून बनाना शुरू किया। उसके बाद जब लॉकडाउन यानी संपूर्ण लॉकडाउन था, जब घरों से लोग बाहर नहीं निकलते थे, तब हमने जिला प्रशासन से परमिशन ली और हमने रोड के अंदर लगभग 6600 स्क्वेयर फीट एरिया को पेंट कर डाला। यानी कि जब लॉकडाउन के अंदर कभी ना कभी, आज नहीं तो कल ढील मिलेगी, जब लोग मूवमेंट करेंगे तो उस चीज़ को देखेंगे तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे, इस चीज़ के लिए हमने काम किया। फिर हमने ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन कराया, इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन कराया, जिसमें लगभग 1800 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। यानी कि हमारा उद्देश्य उस समय में कंपटीशन कराना नहीं था, लोगों के अंदर एनर्जी, जागरूकता और एक सुकून की जो जीवन, जैसे कि अगर अमेरिका की उस समय वीडियोस देखते थे, टीवी चला के देखते थे, डर जाते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि कोई हमारी कला को देख के अगर थोड़ा खुश होता था, उसको सुकून मिलता था, तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी कला के करने वाले लोग हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, नाट्यकार हैं, राइटर हैं, उनका सबसे पहला धर्म ये होता है कि वो अपने समाज के लिए और देश के लिए वो सोचते क्या हैं, उनके मन में क्या विचार हैं, यानी कि जो भगवान ने आपको ये हुनर दिया है उसका उपयोग सही और सकारात्मक दिशा में आप कर रहे हैं तो आपकी कला फलीभूत हो रही है। अगर आप व्यक्ति विशेष या खुद अपने लिए कला कर रहे हो कि जीवन अर्जन के लिए भगवान ने कला दी, अगर पैसा मिलेगा तो काम होगा, समाज के लिए मैं काम नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ऐसे कलाकारों को ज़रूर आज बैठ के चिंतन करना चाहिए कि हमारी कला समाज को दिशा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे पत्रकारिता है, पत्रकारिता समाज और देश को एक आईना दिखाती है, इसी तरह से चित्रकला या अन्य विधाएँ जितनी भी हैं, संपूर्ण विधाएँ, वो समाज का एक दर्शन कराती है। अगर देखा जाए तो आज़ादी के समय भी अनेक चित्रकारों ने एक ऐसी मूवमेंट चलाई जिसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है, जो आम जनता तक रूबरू हुई, जो पेंटिंग्स देखी, जो पत्रिकाएं पढ़ी, जो समाचार पढ़े, तो ये सारी चीज़ें आज़ादी में सर बता रहे हैं जैसे भाई बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और बताई थी सर आपने कि आपकी पेंटिंग्स कितने टाइम से बिक रही हैं और मतलब काफ़ी, मतलब उससे तो इनकम अच्छी होती होगी आपकी। देखिए, आप कला साधक हैं और आपकी कला साधना से आपको पहले सबसे बड़ी बात तो है आनंद मिलता है, जो धन से आनंद नहीं मिल सकता। शायद मुझे लगता है कि जितने भी तमाम हिंदुस्तान या देश विदेश में कलाकार हैं जो अपनी कला साधना करते हैं, उसको एक आनंद मिलता है, वो एक अलौकिक आनंद होता है। और प्रोफेशनली तो हम आर्ट वर्क करते ही हैं, आपने आर्ट वर्क करवाया, वो बिक रहा है, वह कहीं म्यूजियम में रखा है, उसके बावजूद भी मैं बहुत सारे चीज़ें ऐसी करता रहता हूँ जो एक समाज में चिंतन का विषय बनता है। पीछे राम मंदिर का विषय आया कि उसके अंदर धन संग्रह की बातचीत आई, तो हिसार की एक सोसाइटी ने मुझसे आग्रह किया कि आप हमें कुछ पेंटिंग्स बना के दीजिए और हम उनकी खुली नीलामी करेंगे, जो उससे धन आएगा वो हम राम मंदिर में डोनेट करेंगे। वहाँ पर
56,000 रुपये के करीब मेरी पेंटिंग्स बिकी थी, तो सारे का सारा पैसे मैंने राम मंदिर के लिए डोनेट कर दिया था। यानी कुल मिला के मेरा तो मानना यही है कि धनार्जन के लिए, जीविका चलाने के लिए हम लोग आर्ट वर्क करते हैं, मगर हम इस जीवन में आए हैं और अपने समाज में रहते हैं, उसका चित हित कैसे हो आपकी कला से, इसका ध्यान आपको महत्वपूर्ण विषय है, इस पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। शादी के बाद कला के क्षेत्र में आपके मतलब क्या प्रभाव पड़ा सर, आपकी पत्नी के द्वारा? मतलब एक तो स्पोर्टिव रोल या मतलब कि या ये हुआ हो भाई आप क्या करते हो, ऐसा कुछ था शादी के बाद, कुछ बदलाव आया या फिर जैसे आपका जीवन चल रहा था कला क्षेत्र में वैसे चलता रहा? कक्षा दूसरी से ही मेरे को इस विषय में जाना था, जब घर वालों की मेरे को पूरी सपोर्ट थी कि हाँ ये इसी क्षेत्र में रहेगा जी। तो शादी के बाद मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे सपोर्ट आज भी पूर्ण रूप से है कि मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्ति के पास अगर संतोष है तो मेरे ख्याल से वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है और हर क्षण को वो आनंद से जी सकता है। आपने बातचीत के दौरान सर बताया कि आपने 8 महीने पहले इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ली है, उससे पहले आप साइकिल यूज करते थे, तो मतलब लोग आपके आस पड़ोस के लोग ये नहीं बोलते भाई मतलब पैसे हैं आप यूज क्यों नहीं करते, कंजूस हो, ऐसा कुछ हो? देखिए किसी भी व्यक्ति के प्रति समाज की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। आप समाज में अच्छी चीज़ें करते रहो, समाज आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता है। जब हम लॉकडाउन में रोड पे पेंटिंग कर रहे थे, लोग हमें उस समय पागल भी कह रहे थे। अच्छा। कि ये लोग पागल हैं, इनको कोविड हो सकता है, मर भी सकते हैं। मगर समाज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जियाँ रहती हैं, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को देती हैं। मेरा मानना यही कि समाज की आप आलोचनात्मक और प्रशंसा दोनों को तोलते रहो और उससे जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहो। यानी आलोचना आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और प्रशंसा आपको ग्रैंड करनी चाहिए, मगर उस पर कभी इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि लोग कहते हैं जी बहुत बढ़िया हो तो बहुत बढ़िया हो। और जो आपको क्रिटिसिज्म सिखा जाता है, मेरे ख्याल से वो आपको प्रशंसा कभी नहीं सिखा सकती। बहुत सुंदर विचार और व्यक्तित्व के इंसान दीपक कौशिक जी से मुलाकात हुई, इतनी अच्छी विभूति से मेरी बातचीत हुई है और शायद आपको भी इनकी बातें सुन के जिस टाइम पे आप देखो ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ऐसी महान विभूति हमारे खुद के। देखो पहली बात तो जिस जिले में मैं बैठा हूँ वो हरियाणा का दिल कहा जाता है, जींद जिला, और ऐसे कलाकार हमारे दिलों में बसते हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं कि मतलब एक्टर है कोई उसी को हम कलाकार माने, कलाकार बहुत सारे हैं जैसे सर ने बताया, नाट्यकार, चित्रकार, ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो कि हमारे समाज में बहुत बदलाव लाने में सक्षम है और इनकी जो कलाएं हैं उनको हम तन मन धन से समर्पित होना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है और आगे जाना चाहिए ताकि हमारा समाज और अच्छा हो सके, क्योंकि जब तक कला सामने नहीं आएगी तब तक इस समाज का भला और ये समाज पॉजिटिव वे में जा ही नहीं सकता। आपको इनकी पेंटिंग्स भी मैं जैसे जैसे वीडियो चलेगी तो वो दिखाता रहूँगा कि इन्होंने आज तक कितनी अच्छी अच्छी और कैसी कैसी महान पेंटिंग बनाई है, क्योंकि सर तो पत्रिकाएं और पता नहीं किताबें क्या क्या लिख चुके हैं। अगर मैं दिखाने लगूँ तो भाई सर का इतना लंबा जीवन है तो कम से कम 2-3 दिन तो निकल ही जाएंगे सर। इतनी अच्छी महान विभूति हमारे बीच में है तो मैं खुद को बड़ा खुश मिजाज मानता हूँ, खुश दिल मानता हूँ कि इनसे मिलने का मौका मिला। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका भी।